मेरे जीवन में पहली बार तुमने मुझे राखी बांधी है। मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों तक हम एक दूसरे से दूर थे और इतने वर्षों तक मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे पाया, किंतु इतने वर्षों की भरपाई मुझे अवश्य करनी है। अर्थात मैं तुम्हें एक नहीं अभी तो दो दो उपहार दूंगा। मेरा पहला उपहार होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन भर मुझसे कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और मेरा जो दूसरा उपहार है वो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। ऐसा लगता है कि चंद्र ने मेरे मन की बात जान ली है। क्या वो जान गया है कि मैं और सत्यजीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं? इनसे मिलो, ये कलिंगा की राजकुमार राजकुमार करणदेव, ये मेरे प्रिय मित्र हैं और तक्षशिला में सहपाठी भी थे। इसलिए आज सबके समक्ष ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरी प्रिय बहन और कलिंगा की राजकुमार करणदेव का संबंध मैं सुनिश्चित करता हूं। अनुमति के यहाँ कैसे आई? न्याय मांगने वालों के लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मगध के हर एक निवासी को न्याय मिलना उसका संपूर्ण अधिकार है, फिर चाहे वो मगध की महारानी क्यों ना हो। किंतु उचित समय का ध्यान देना आवश्यक होता है महारानी। हमारे राज्य में हर सप्ताह न्याय सभा लगती है जहाँ प्रार्थी की सुनी जाती है। तुम चाहो तो उस समय आ सकती हो। नहीं, को मेरी प्रार्थना सुननी होगी अभी और इसी समय, क्योंकि यदि ये समय बीत गया तो फिर आपके न्याय का कोई अर्थ ही नहीं होगा। आप मेरी प्रार्थना आज और अभी सुनेंगे। बताओ किसके विरुद्ध है तुम्हारी प्रार्थना? मगधराज के विरुद्ध। शांत बताओ, ऐसा क्या अन्याय किया है मगध नरेश ने? अन्याय? जब महाराजा की बहन उसे राखी बांध सकती है तो फिर मैं अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांध सकती? क्योंकि तुम्हारा भाई केवल तुम्हारा भाई नहीं, वो राज्य का शत्रु है, विद्रोही है, पर एक विद्रोही से मिलने की अनुमति किसी को नहीं है। ये कैसा नियम है? राजा की बहन उसे राखी बांध सकती है परंतु राजा की पत्नी अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। अगर मेरा भाई विद्रोही, उसका दंड मुझे क्यों मिल रहा है? एक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, ये उसका पूरा अधिकार है। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, जब पिता महाराज का ये राज्य था तो हर स्त्री को सम्मान मिलता था, उसके अधिकार कभी छीने नहीं जाते थे। लज्जा आती है मुझे, मुझे कि उसी मगज में स्त्री का अधिकार छीना गया है। पिता के राज्य में स्त्रियों की क्या दिशा थी, यही जानना चाहती हूँ ना तुम? तो जाओ जाकर मिलो मेरी माँ से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि किस प्रकार तुम्हारे ही पिता ने वर्षों तक अत्याचार किया उस पर। यही जानना चाहती हूँ ना कि क्या क्या अधिकार मिले स्त्रियों को। तो जाओ जाकर मिलो मेरी बहन से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि आज जीवन में पहली बार उसने अपने भाई के हाथ पर राखी बांधी, जिस अधिकार से वर्षों तक वो वंचित थी केवल और केवल तुम्हारे पिता के कारण। एक बात और नंदिनी, तुम एक राजा की पत्नी हो और एक राजा की पुत्री थी, तो तुम्हें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा के साथ बर्ताव करना चाहिए, कि किस प्रकार भरी सभा में सम्मान सहित उसे संबोधित करना चाहिए। आज तुमने भरी सभा में मुझसे प्रश्न किया, उसका उत्तर मैंने तुम्हें भले ही ना दिया, तुम्हारे सम्मान के लिए ही मैं वहां चुप रहा।
मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए सबके सामने विनती की। देखो नंदिनी, तुम्हारे पिता भले एक अच्छे पिता रहे होंगे, किंतु वो प्रजा के लिए कभी भी एक अच्छे राजा नहीं थे। इसलिए भविष्य में कभी भी मेरी तुलना उनसे मत करना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रजा में हर एक निवासी को समान रूप से न्याय मिलेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें अनुमति दूंगा कि तुम जाओ, जाकर अपने भाई के कलाई पर राखी बांधो, किंतु इस कारण नहीं कि तुमने भरी सभा में तमाशा किया, अभी तो इस कारण कि भारतीय परंपरा के अनुसार हर एक रिश्ते का अलग महत्व होता है, फिर चाहे किसी का भाई एक राजद्रोही क्यों ना हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि जाओ, जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। इन्हें इनके विद्रोही भाई से मिलने दिया जाए। रानी, आप भीतर प्रवेश कर सकती हैं। जो हाथ सदा मेरे सर पर मेरी रक्षा के लिए रहा करते थे, उसकी आज ये दशा। लोगों ने मुझे पीड़ा देने के कितने प्रयत्न किए, पर फिर भी मेरे मुख पर संतोष है। मुझे ज्ञात है मेरे भाई बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तेरे तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हें आने किसने दिया? आज के दिन में कैसे नहीं आती भैया? आज रक्षाबंधन जो है। सभी भाइयों से कितने उपहार भेंट में मिलते थे, और तुम उन उपहारों को देखकर कितना प्रसन्न हुआ करती थी। पर इस बार मेरी विवशता देखो नंदिनी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा, ऐसा उपहार तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। एक सूचना है नंदिनी, पिता महाराज जीवित है। मैं जानती हूँ भैया, मुझे क्या था कि पिता महाराज जीवित है। तुम्हें किसने बताया? हेलेना ने। अर्थात चंद्र को भी ये पता चल जाएगा, और फिर वो अपनी सेना को पिता महाराज को खोजने के लिए भेज देगा। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं होने दूंगा। पिता महाराज को इस बात का ज्ञात नहीं है कि ये सूचना महल में फैल चुकी है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा नंदिनी। शांत हो जाओ भैया, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा पिता महाराज जी रहे। ये तुम कैसी बात कर रही हो नंदिनी? हेलेना चंद्र की पत्नी है, और आज नहीं तो कल चंद्र को सब कुछ बता देगी। नंदिनी, मेरे पास केवल एक ही उपाय है।
मंच तक पहुंचे तुम्हें मुझे यहां से निकलवाना होगा। नंदिनी कुछ तो बोलो, तुम मौन क्यों? नंदिनी तुम मुझे यहां से निकलवाओगे ना? नंदिनी ये मेरे तुम्हारे या पिता महाराज के जीवन का विषय नहीं, परंतु महल में बंदी बनी हमारी परिवार की स्त्रियों के जीवन का प्रश्न है। मुझे तुम किसी भी प्रकार से यहां से निकलवाओ नंदिनी, और फिर मैं तुम सबको यहां से मुक्त करवाऊंगा। नंदिनी ये तुम्हारे भाई का वचन है, बस मेरी सहायता करो नंदिनी, मुझे बचा दो। तुम करोगे ना नंदिनी? हाँ भैया, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पिता महाराज और हमारे परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। केवल मैं एक उचित समय की प्रतीक्षा कर रही हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।